हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए एपिसोड में ऑफ रैंच सिमुलेटर। क्योंकि जो अपडेट है वो काफी बढ़िया आया हुआ है और मेरे को भी मजा आ रहा है इसको करने में, लेकिन उस अपडेट को एंजॉय करने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी लगी हुई है। इसीलिए मैंने कोई आज पोज नहीं, कोई आज सिचुएशन नहीं क्रिएट किया, सीधा अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि अपने को आज करने हैं ढेर सारे टास्क कम्प्लीट। एक्चुअली टास्क वगैरह कुछ नहीं है, मेरे को थोड़े से साफ सफाइया करनी है। और मतलब इतना बेवकूफ आदमी हूँ मैं जो मतलब लास्ट एपिसोड में अगर आप लोगों को याद होगा तो अपन ने बनाए थे बीहाइव, राइट? उस तरफ में अपने जो घर के बगल में एक बीहाइव बनाए थे, और वो बीहाइव बनाने के बाद मैं मतलब इतना पगलेट कि मतलब मैं सोच रहा हूँ उसमें अपने आप बी आएंगे। वो तो भला हो आप सभी मानुसों का जिसने कमेंट करके मुझको बताया कि भाई आपको बीहाइव में पहले बी कलेक्ट करना पड़ेगा, पहले उस प्लेट में बी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यस दोस्तों, आज अपन करने वाले बी कलेक्ट। मैंने एक दो जगह देखा है पर मार्क किया था मैंने, लेकिन गेम जब रिस्टार्ट हुआ ना तो अपने आप सारे मार्क ना हट गए, तो मेरे को वापस से ढूंढने जाना पड़ेगा वो जो मार्क है। मतलब जगह मेरे को याद है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा। और अभी भी मेरे को पूरी तरीके से आइडिया नहीं है कि वो बी को कलेक्ट कैसे करना है। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि आपको वो बी हाइव के नीचे, मतलब उनका जो हनीकॉम होता है, बी नेस्ट होता है, उसके नीचे वो धुआं करना है और फिर वो जो प्लेट है बी हाइव के अंदर जो अपन प्लेट लगाते हैं वो बी नेस्ट ऐसा कुछ तो कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो वो चीज जो है उसको आपको लेके जाके उसके इधर पे बी को कलेक्ट करना है, और बी को कलेक्ट करके इमीडिएटली लेके आकर के उसको गाड़ी से अपने को इधर पे डालने का है जो अपने पास बी हाइव अपन ने बना रखे उसके अंदर। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वो ट्राई करेंगे अपन, और इससे ज्यादा मेरे को और कुछ नहीं पता है कि उस बी हाइव में बी कैसे आएंगे। और उसके बाद दोस्तों अपने को कुछ बकरियां लेके आनी है, और मैंने ये भी सुना कि मतलब वो जो बकरियां हैं उनके भी चीज मोल्ड वगैरह बनते हैं, चीज वगैरह बनते हैं, तो अपन को वो भी ट्राई करने का है। करते हैं सारी चीजें ट्राई। ये जो नया अपडेट आया इसमें काफी ज्यादा मेहनत आ चुका है और काफी मतलब मजेदार है, जिसमें करने के लिए काफी कुछ है, तो अपन आराम से इसको यूज कर सकते हैं इस अपडेट को। तो फिलहाल तो फटाफट से मैं ना दोस्तों ये जो लॉग से इसको रख लेता हूं, क्योंकि अपने पास ये लॉग रैक जो आ गया है ये बहुत ही मजेदार सा एक और अपडेट है जिसके अंदर अपन अपना जो लॉग है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, तो ये जो लॉग रैक है ये भर चुका है, अभी मेरे को एक और लॉग रैक बना लेना चाहिए जिसके अंदर ये आ जाएंगे, उधर पे कुछ वुड रखे हुए और ऐसे काफी जगहों पे वुड्स जो है वुड लॉग जो है वो रखे हुए हैं। तो फिलहाल मैंने जो ये वुड रैक बना रहा हूँ बेसिकली ये जो अपने फेंस लगाए हुए थे उसमें से बना रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो आगे का एरिया ये भी शायद मैं एक्वायर करने का कोशिश करूंगा। कोशिश का मतलब अपना ही एरिया, बस उसके अंदर अपने को ना वो बकरी के लिए थोड़ा शेल्टर वगैरह बनाना पड़ेगा। तो फिलहाल अपन बिल्ड करते हैं एक और रैक बनाते हैं थोड़े से डिस्टेंस पे ताकि अपन उसके अंदर जा सके। वैसे उसमें जाने का जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर जा सके तो अच्छी बात है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे दूसरा फ्रेम एक तैयार कर लिया, अब उसके अंदर सिर्फ अपने को लॉक डालने का, जो इधर के लॉक्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वहां से कुछ लॉग है ना उठा करके लेके आऊं और यहाँ पे लाकर लगा देता हूँ, ताकि मतलब जो मतलब उसमें स्पेस रिमेनिंग है वो एटलीस्ट भर जाए। और फिर क्या है, धीरे धीरे करके अपन सारे लॉग्स की जगह पे ऐसा रैक बना करके वहां पे उसको उठा करके रख देंगे, है कि नहीं? ओके, तो बस हो गया दोस्तों। अब इस गाड़ी के ऊपर है ना मैंने वो बी के सारी चीजें लगा रखी है, ये देखो बी के जो प्लेट है वो, और वो स्मोक करने वाला चीज है जो वो, तो सारी चीजें लगा रखी। और मैंने जो बी का वो ढूंढा है ना कि बी का नेस्ट कहाँ पे, तो रुको मैं बताता हूँ। यहाँ से जाके कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे से सारी फेंसिंग की हुई है, ये फेंसिंग मेरे को तोड़ के हटानी है, जगह थोड़ा सा बड़ा करना है, एक्सपैंड करना है, तो पीछे से जाएंगे अपन। यहाँ पे भी वुड लॉक्स वगैरह गिरे हुए हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज करना है अपने को। तो दोस्तों यही कहीं पे वो बी नेस्ट था, मेरे को लगता है वो डिस्पॉन होता है क्या? मतलब मेरे को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वो डिस्पॉन होता है या स्पॉन। हाँ ये रहा मिल गया। ये देखो यहाँ पे है बी नेस्ट, और भाई साहब आवाज भी आए जोर से उसकी। तो मेरे को अभी क्या करने का, अपने गाड़ी को बेसिकली उधर लेके चलना है ताकि अपन चीजें फटाफट कर सके। यहाँ पे से ये धुआं वाला उठाना है, यहाँ रख देने का, एक प्लेट लेना है जो प्लेट को यहीं पे अपन गिरा देते ताकि अपने को जरूरत पड़ने पे मिल जाए। और इसको टर्न ऑन करेंगे, और अगर नजदीक जाते तो काटेंगे क्या इन लोग? नहीं काट रहे, तो एक काम करेंगे अपन इसके नीचे ऐसे रख देंगे, ठीक है? ये प्लेट उठाएंगे, ई टू कलेक्ट 20, नहीं कर रहा कलेक्ट, अच्छा होल्ड करके रखना है। ओके, तो 20 कलेक्ट कर लिया अपन ने दोस्तों 20 कलेक्ट कर लिया अपन ने। इसको इस पे रखेंगे, धुआं वाले को उठाएंगे, धुआं वाला आ जा भाई साहब। 20 कलेक्ट कर लिया अपन ने, 20 को कलेक्ट कर लिया। धुआं वाले को बंद कर देना चाहिए ना, नहीं तो क्या है 20 भाग जाएंगी। ई टू टर्न ऑफ, चलो 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 घर पे चलेंगे। ये रहा अपना कलरफुल बी हाइव, ब्रेक मार ले बेटा, ब्रेक मार ले, इधर से घूम जा अभी। अगर अरे बाप रे,
मेरे को काट रहे हैं इन लोग, और किधर रखूं इसको? भागना नहीं बेटा, देख रहे हो दोस्तों उसमें बी है, वेरी नाइस, पकने दो उसको। मैं एक्चुअली मेरे पास और तीन पड़े हुए हैं, इसको बंद करो, इसको बंद करो, और है ना तीन पड़े हुए, दो उधर पे। तो अपने काम करने वाले, अपन अभी जाने वाले और भी ऐसे बी वाले को जो है ना वो ढूंढने के लिए, बी नेस्ट जहाँ पे से अपन और भी बी को पकड़ के लेके आए। लेकिन ये बहुत दिक्कत भरा यार, इधर पे ना लोकेशन मार्क करना चाहिए इनको कि हाँ यहाँ पे आप लोगों को बी का नेस्ट मिल सकता है। अब यार ये पूरे इतने बड़े जंगल में कहाँ ढूंढने बैठेंगे, मेरे को तो वही टेंशन आ रहा है। ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तीन का तीन जाली भर के रहेंगे। अब पता नहीं मतलब स्पॉन कितने होते रहेंगे। अपने को यार हंटर की जगह पे भी जाने का है, तो एक बार हंटर की जगह पे भी जाके देखेंगे। यार लास्ट टाइम एपिसोड है ना उसमें भी अपने रह गया था हंटर के इधर पे जाने का। और मेरे को थोड़ा सा है ना अपने घर के इधर पे भी मैं थोड़ा सा बिल्डिंग शुरू किया हूँ, बिल्डिंग मतलब वो बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं किया बट जस्ट कुछ बना रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा हो दिखने के लिए अपने घर के तरफ, तो वो भी करना बाकी है। अच्छा अगर अपन समझो पहाड़ी के तरफ जाते हैं, मतलब ये इलाके में अपन जा रहे हैं, तो अपन बी का नेस्ट भी ढूंढते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में हंटर के लोकेशन पे भी जा रहे हैं। और अगर बी का नेस्ट मिल जाता है तो पहला उसका काम करेंगे क्योंकि वो थोड़े से रेयर होते हैं, और बाद में अपन हंटर के पास तो जाएंगे ही जाएंगे। गाड़ी चढ़ी नहीं रही है भाई, क्या हो गया? एक छोटा सा गैस का कैन तो रखा हुआ है, और क्या धुआं वाला, हाथ से उठा के फेंक देता हूँ मैं। गाड़ी की तो जान निकल जा रही है भाई, क्या ही बोलेगा। क्या हो गया, टायर वेयर पंचर हो गई क्या तेरे? तो हम लोग आ चुके हैं हंटर वाली लोकेशन पे। अरे भाई साहब ये देख रहे उल्फ, इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको कैसे मारेंगे पता है? हंट एक्सेप्ट ई टू टॉक शूटिंग प्रेडेटर, गुड बाय। हंट करने का अपने को तो राइफल तो दे दे कम से कम। हंट ब्रिंग वाइल्ड मीट टू हंटर्स हट, ठीक है ये ले अभी लेके आता हूँ मैं। किधर गया रे, अरे किधर गया लोमड़ी के बच्चे? ए बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी ने मैं तो भूल ही गया था दोस्तों कि रीलोड लगता है इसको। हाँ अब बोल, चल निकल जा पहली फुर्सत में, समझा? तीन करूंगा, एक उठाऊंगा लेके जाके हंटर को देता हूँ, रुक जा। कितना पैसा देगा? 8 मीट लेके आने का इसके पास। ओ भाई साहब ऐसा, चले गन तो दे नहीं रहा ये मेरे को बॉक्स में कलेक्ट करना पड़ेगा क्या? मेरे को तो लग रहा बॉक्स में कलेक्ट कर लेंगे अपन, बॉक्स में इसके इधर ही लेके आके रख देते, अभी दो मिल गया तो अपन ये हंटिंग का जॉब तो करते रहेंगे। मेरे को बीनेस ढूंढने का। अरे बारिश सुन रहे हो दोस्तों, इतनी खतरनाक हो रही है, अपना स्क्रीन भी भीग गया पूरा, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता जो अपन बनाए हैं वो भी भीग गया है। अच्छा आई हैव बॉट द मीट दोस्तों, ने किया अभी इधर, आई हैव बॉट द मीट, तब इसने 4 मीट जो है वो ले लिए। लेकिन मेरे को राइफल तो दे दे दोस्त। ठीक है नहीं देगा कोई बात नहीं, गाड़ी लेके निकलते हैं दोस्तों दूसरे तरफ, अपना जहाँ पे बियर लोकेशन है ना उस तरफ में चलते हैं, तो वहाँ से भी मीट मिल जाएगा अपने को, क्योंकि उधर पे अपन ने 4-5 जो है बियर मार रखे हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। 4-5 नहीं बे, 1-2 बियर मार रखे हैं। लेकिन चलेंगे कैसे पता, ये ऐसे अंधड़े धुंधड़े रास्ते से, ताकि अपने को जो बी हाइव है वो मिल जाए। बी हाइव तो अपन बना रहे हैं, बी नेस्ट जो वो मिल जाए। इतनी स्पीड से जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी बीनेस्ट दिखेगा अपने को। एक ही होता है क्या बीनेस्ट यार? उसमें अपन प्रोडक्शन बढ़ा सकते रहेंगे ना, क्या बोलते हो दोस्तों? अगर आप लोगों को बी का जो बीनेस्ट है ना उसका लोकेशन का पता है तो प्लीज मेटा कर दो चैट में कमेंट करके बताओ भाई आपको यहाँ पे अपना जो जनरल स्टोर है वहां पे मिल जाएंगे, हार्डवेयर स्टोर है वहां पे मिल जाएंगे, ऐसे करके बताओ जरा जरा, कमेंट करो तो जरा फटाफट से। फिलहाल मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, अगर मिलते तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। भालू मिला रे भाई, ओ भाई ओ भालू, दोस्तों भालू मिल गया अपने को, मीट का जुगाड़ हो गया है। तेरी तो आजा बेटा, हो गया मर्दानगी पूरी हो गई तेरी। अरे रीलोड मार बेटा, क्या हो गया रीलोड मार? ये रीलोड भी नहीं मार रहा था भाई। चलो इसको अंदर रखो, इसको स्किन करो। 4 इधर मिल गया, हो गया अपने को, 8 देने का था, 8 तो मिल गया अपने को। अभी अपन जा करके मस्त पे की उसको दे देंगे तो अपना एक मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। बस मेरे को नेस्ट को ढूंढने का है दोस्तों। अगर नेस्ट मेरे को नहीं मिलता, वो एक ही नेस्ट मेरे को मिलता है अगर, समझो, तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि बाकी के नेस्ट किधर है। फिलहाल अपन इसको ऐसे रख देंगे और यहाँ से गाड़ी चालू करेंगे। क्या बोलते हो, इस जंगल में नेस्ट हो सकता है क्या कहीं? दोस्तों मैंने ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया और ये देख सकते हो पेट्रोल का जो वो है ना, पेट्रोल पंप पे से अपन जो नोजल लगा करके भरा करके आते हैं, वो अभी तक मेरे इसमें लगा हुआ, और देखते हैं कितनी दूर जा रहा है। मतलब ये ना सबसे पहला ग्लिच था जब ये गेम लॉन्च हुआ था ना, तभी और अभी तक ये सेम चीज है ना, ये सेम चीज कंटिन्यू हो रहा है भाई साहब। रुको, पहले अपन घर पे जाते तो उधर एक और डब्बा गिरा हुआ है, मेरे को 2 डब्बे मिले, ये तीसरा
दूसरा डब्बा एक और मिला हुआ है। उसके बाद अपन जाएंगे घर पे, थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर मीट जो है अपन बेचने के लिए जाएंगे दूसरे अपने हंटर वाले लोकेशन पे। मेरे को दोस्तों एक भी वो नहीं मिला हनी बी का ना, एक भी अभी ये नहीं मिला लोकेशन, सिर्फ एक ही मिला जिसके लिए अपन ने हनी बी ऑलरेडी पकड़ लिए थे और उसको लेके आके अपने बी हाइव में डाल भी दिए, बट अब मेरे को एक भी नहीं मिल रहा। मेरे को लगता है ये एक ही है शायद से पूरे इसके अंदर, या फिर दो तीन होंगे, मेरे को ढूंढना पड़ेगा बड़े ही गौर से। हो चुकी है प्यारी से सुबह दोस्तों, और मैं बता रहा था जैसे कि ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है अपने को करने का है, और मैंने अभी तक अपना दुकान खोला नहीं है क्योंकि अपने को बी हाइव ढूंढने जाने का है, बी हाइव ने हनी बीज ढूंढने जाने का। ये देख रहे हो दोस्तों कहां से आ रहा है, ये पेट्रोल पंप से आ रहा है, मतलब ये बराबर दिशा बताएगा कि पेट्रोल पंप कहां है, लगे रहने दो। और इसके पास जाए, इसको ओपन कर, ओ 57% हनी ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है अपन चलते हैं तब तक दोस्तों वो हंटर के पास, उसको अपन का जो बचा हुआ जो मीट है वाइल्ड मीट वो दे के आते हैं। तो आ चुके दोस्तों अपन हंटर के पास, और इस हंटर के पास अपना मीट किसमें, इसमें वाइल्ड मीट इधर है, इसके पास लेके जाएंगे और इधर प्लेस कर देंगे और इसको बोलेंगे अपन आई हैव बॉट द मीट, ये बॉय क्विस्ट कंप्लीट। अब अगर इससे बात करेंगे तो निबल रैबिट्स, ये क्या करता है निबल करने के मतलब, ये रैबिट्स इधर पीछे और क्या करने का, रैबिट डिलीवरी फाइंड एंड कैच रैबिट। अबे भाई साहब ये गलत चीज ले लिया मैंने। शूटिंग प्रीडेटर्स एक्सेप्ट, फाइंड एंड किल प्रीडेटर, प्रीडेटर किल 5, टॉक विद रांचर, ठीक है। अरे ये तो दे दे कम से कम, अरे मेरे को बड़ा वाला राइफल तो दे दे यार, क्या कर रहा है तू बाजू में बैठा है। है दोस्तों मैंने रैबिट लाया नहीं और हो गया मेरा टास्क। ओके ये कुछ ग्लिच है, ठीक है प्रीडेटर को किल करने का, अपने को प्रीडेटर को किल करेंगे, लेकिन दोस्त तू बता देता ना अगर कि राइफल कैसे मिलेगा तो फिर और मजा आ जाता। प्रीडेटर किधर, इनके इसके इस लोकेशन पे या फिर किधर, इधर तो प्रीडेटर विडेटर है ही नहीं, तो प्रीडेटर अपन करेंगे कभी बाद में, फिलहाल अभी अपन घर पे चलते अपना कंस्ट्रक्शन करते, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हनी बी वगैरह मिलने वाले हैं और ये बुढ़ो अपने को ना राइफल देने वाला है बड़ा वाला, ये अपना काम निकलवा के ले लेगा बट अपने को राइफल देगा नहीं मेरे को जहां तक लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग है ना अपने घर पे आ चुके हैं निराश होकर के कि अपने को हनी, इसमें हनी बी का आवाज आ रहा है चक 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 चक, कितना परसेंट हो गया, ओ 71% हो गया है। तो मेरे को लगता है ना दोस्तों ये स्लो प्रोग्रेस है जिसमें अपने को हनी का जो नेस्ट है वो इतना ज्यादा मिलेगा नहीं, पर कोई बात नहीं अपन इंतजार करेंगे, या फिर अपने को जैसी कोई लोकेशन पता चलेगी ना कि हाँ यहाँ पे है हनी नेस्ट, तो अपन जाकर के वहां से ना हनी बी इसको उठा के लेके आ जाएंगे। फिलहाल अपने ना जो अपना प्रोग्रेस चल रहा था ना उस पे काम करते हैं, थोड़ा सा घर को है ना अपन बॉर्डर कर रहे थे, बॉर्डर मतलब स्ट्रीमलाइन कर रहे थे, जैसे कि मतलब अभी क्या है उस घर से इस घर में सब दिखता है, तो मैं इसको फ्रेम लगा रहा था और ऐसे फिट कर रहा था, देख रहे हो दोस्तों कितना सही लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा हो गया वो फ्रेम वाला लेके आए इन लोग, नहीं तो क्या दीवार बहुत अजीब दिख रहा था। लेकिन मैं इतनी दूर से इतनी दूर भाग के क्यों आ रहा हूं, अपन सीधा ऐसे पीछे चलते है ना, एकदम पीछे तो है अपने, ये हो गया दोस्तों थोड़ा सा ना फ्रेमिंग कर दिया ताकि यहाँ से बाउंड्री लगी रहे और यहाँ से अपन ऊपर जाए और गिरे भी नहीं, और यहाँ पे दरवाजा अपन को पेंट करने का, ये सारी चीजें करने के करेंगे अपन। लेकिन फिलहाल अपन जाके फिर से जरा हनी के तरफ देखते कितना अपना हनी भी तैयार हुआ है, इसका करेंगे क्या ना पहले तो मेरे को वो समझ में आ रहा है। 77% बेटा क्या कर रहे हो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो, इसके अंदर अपने को ये प्लेट निकाल के डालना पड़ेगा, इसके अंदर चालू हो जाएगा और भर जाएगा वो, ठीक है ठीक है। और दोस्तों मतलब एक जगह जो है ना, एक लोकेशन मतलब मेरे को जहां तक पता था वो मैं याद नहीं आ रहा था, बट अभी क्या है उड़ते उड़ते खबर आई है कि ये जो लोकेशन पे मैं जा रहा हूं बेसिकली वहां पे बी हाइव है। तो ठीक है अभी एक काम करेंगे अपन, मतलब सारे काम छोड़ करके जो अपन कर रहे थे वो लोकेशन पे जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे प्रीडेटर है, किलिंग द प्रीडेटर, प्रीडेटर किल करने का एक टास्क है जो अपन वो कर सकते हैं उधर पे पूरा, लेकिन छोड़ो अभी फिलहाल अपन है ना, प्रीडेटर्स हैं क्या, यही होंगे ना वुल्फी प्रीडेटर्स होंगे और वो अपना भालू करेंगे करेंगे उसका भी टास्क पूरा करेंगे। फिलहाल तो अपन है ना हनी बी को लेने जा रहे हैं, और मतलब अब मैं बता दूं उड़ती हुई खबर नहीं आई है, मैंने थोड़ा सा डिस्कॉर्ड पे एक बंदे से बात किया और वो बंदा जो है वो इसके मतलब अपने रांच के सर्वर से है, उसने बताया कि जो बी हाइव है वो इस लोकेशन पे यहाँ कहीं आपको मिल सकती है, और यहाँ पे ऑलरेडी अपन आके गए थे, तो यहाँ पे उसने बोला है कि आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा क्योंकि वो छोटे छोटे पेड़ों पे ना ऐसे टंगे हुए हैं जैसे कि अपने को पहला वाला मिला। तो अब वो पहला वाला जो मिला है वो बात सही है, लेकिन दूसरे वाले कहाँ मिलेंगे, ये तो रोड आ गया, यही लोकेशन है दोस्तों कहीं तो होने चाहिए यहीं पे उसके बताने के हिसाब से। हाँ मिल गया 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 मिल गया
गया ये बॉय। अभी आजू बाजू कोई खतरा है क्या अपने को? नहीं आजू बाजू तो कोई खतरा नहीं है, कोई वुल्फ विल्फ विल्फ कुछ भी नहीं है, भालू विलू कुछ भी नहीं है। एक काम करेंगे अपन, इसको नीचे रखेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को भी दिख गया रहेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, इसको इधर रख दिया अपन ने, धुआं लगने दो। ये प्लेट उठाएंगे अपन और इसको अपन कर लेंगे कलेक्ट, इसको उठा के लेके आएंगे। दोस्तों धुएं वाली मशीन को इसके लिए इधर पे ऐसे रखेंगे ताकि बीज जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक ना हो। लेकिन एक काम करते बंद कर देते अपन, टेंशन नहीं है। और एक होना चाहिए यहीं पे, और एक होना चाहिए। ये लोकेशन अपने को याद रखने है क्योंकि ये लोकेशन पे जो बी का नेस्ट है ना उधर पे उन लोग वापिस से रिस्पॉन होते हैं, तो बस वो लोकेशन याद रखने का। और एक यहीं पे होना चाहिए बेसिकली, मतलब जैसा फिलहाल अपन इसको रख के आते हैं क्या, क्योंकि पता नहीं ना ये सारे बी अगर उड़ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा है ना। तो इसको रख के आते हैं अपन, फिर से आएंगे इसी लोकेशन पे। मैप में अपन सही जगह जा रहे हैं, तो आ चुके दोस्तों अपन अपने घर पे। अब क्या करने का अपने को, इसको टर्न ऑन करने का है, और इसको अगर मेरे को पकड़ने का रहेगा तो पकड़ लिया अपन ने। अब आगे वाले में जाके ना इसको इसमें फिट कर देना। अभी ये बाजू वाले में कितना हो गया, 100%, इसको बंद कर देते हैं। और 100% हो तो गया। एक काम करेंगे अपन, बेटा तुम इधर आओ, इसको धुआं मारेंगे क्या, इधर आकर इसको रखते हैं अपन, इसको करते हैं पिक, इसको ओपन करते हैं, इसमें लगाते हैं, इसको करते हैं बंद। दोस्तों मस्त पे की टर्न ऑन करेंगे, ये बॉय इसको बंद कर देते हैं। इधर से अभी क्या क्या निकलेगा पता नहीं, देखते हैं अपन। इधर पे बैठ करके बैरल में शहद गिर रहे क्या? ना बैरल में तो शहद गिर ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ? मेरे को ऐसा लगता है ना दोस्तों कि इसके अंदर टर्न ऑफ करूं क्या, मेरे को लगता है क्या मालूम है, इसके अंदर पांचों जगह पे अगर प्लेट डालेंगे ना तब जा करके ये होगा। तो एक काम करते हैं अपन, इसको पिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको ना इधर रख देते हैं। ठीक है, ये 3% हुआ, ये पूरा जब तक होता नहीं तब तक अपन ये करेंगे नहीं। और बेटा तुम धुएं वाले, और धुएं वाले को बंद करके ना इधर रख देते हैं। और एक और जो है ना, एक और हनी बी है ना उधर ही पे है, अपन अगर मैप ओपन करें तो वो बता रहा है ये लोकेशन पे एक और है। तो चलते हैं एक बार वापस से चेक करते हैं अपन कि वहां पे हनी बी अपने को मिलता है या नहीं। फिलहाल इन डब्बों का तो अपने को कोई काम है नहीं, तो अपने काम करेंगे, डब्बों को इधर ही छोड़ देते हैं। इधर छोड़ना एक्चुअली अच्छा नहीं रहेगा मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ पे रस्ते में खड़ा रहेगा। ठीक है, अभी ऐसा ठीक है, ये ठीक है। यस दोस्तों, एक और मिल चुका है मेरे को हनी बी का नेस्ट, और ये रहा वो हनी बी का नेस्ट। मतलब टोटल में अपने पास 3 हो चुके हैं। भाई की इन्फॉर्मेशन एकदम तगड़ी थी, क्या बोलते हो, मस्त भाई की। अपने को अभी हनी बी का हनी मिलता रहेगा, हनी की कृपा जो है अपने पे बरसती रहेगी। यो हनी सिंह। और दोस्तों होने आई है रात, या अंधेरे में कैसे कलेक्ट करेंगे वे, अंधेरे में प्रीडेटर्स भी होते हैं, मेरे को पकड़ के लेके चले जाएंगे ये सारे के सारे। ओके कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये हनी भी पकड़ने के बाद अपन घर पे जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, और उसमें अपने नेस्ट में लगा देंगे। आगे आएंगे तो कलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, कलेक्ट कर लिया अपन ने। और भी कोई नेस्ट का पता लगेगा ना दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे है, कैसे है, पूरा गाइड। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल घर पे चलते हैं, अपना गाइड बनाते हैं। ये आंखें चमक रही थी इधर किसी की, भाई साहब मेरे को पता है बहुत ही नशीली जगह से अपन जा रहे हैं, आगे 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 होते हुए। देखो ये वुल्फ मरा भी नहीं, मतलब इतनी तेज का टोकर लगता है कि गाड़ी पीछे हो जाती है लेकिन वुल्फ मरते नहीं है, समझ रहे हो, क्या ही गजब लेवल का इधर पे मैकेनिज्म है। तो अभी अपन अपने घर पे जा रहे हैं, और सीधा जा करके पहला एक काम करेंगे, सो जाएंगे, और सुबह में यार रात भर में अगर ये बी भाग गए तो फिर वांदा हो जाएगा, इससे अच्छा है ना अपन गाड़ी का ही अपन गाड़ी के रोशनी में ही कर लेते हैं क्या ये काम। एक काम करते, गाड़ी की रोशनी मस्त चल ही रही है, तो अपन इसको उठा लेते हैं ऐसे, और इसके अंदर लेके आके ना प्लेस कर देते हैं। ये हो गया, दूसरा वाला कितना हो गया, 24%। चलो बाद में बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, अपन सोते हैं फिलहाल। हाँ प्यारी सी सुबह हो चुकी है दोस्तों, और अपन ने धुएं वाली मशीन को चालू ही रखा है, तो इसको बंद कर देंगे। ठीक है, बंद हो गया क्या बेटा? हाँ बंद हो गया। और अब अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो यहाँ पे, ओ तुम बंद हो जाओ बे, तो यहाँ पे 100% हो चुका है, 26%, और ये 2%, इसको बंद कर देंगे अपन, इसको बंद। ये दोनों खाली है दोस्तों। अब मेरे को समझ में आ गया कि अपने को हनी कलेक्ट कैसे करने का, और अपन यहाँ पे हनी कलेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम रुकेंगे और देखेंगे कि मतलब कितना टोटल कलेक्ट हो जाता है, और अगर इसको अपन इसके अंदर एक्चुअली मेरे को लगता है ना पूरे 5 के 5 डालने पड़ेंगे, 3, 2, 5, तो अपने को 2 नेस्ट है ना और मिस हो रहा है, मेरे को जहां तक लग रहा है कि 2 नेस्ट और मिस हो रहा है। तो थोड़ा टाइम रुकते हैं अपन और देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, कितने मतलब हनी अपन पैदा कर सकते हैं। वेट करते थोड़ा सा आप लोगों के लिए, बस वो होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तो दोस्तों जैसा मैं बताया कि आपको इंतजार करते हैं थोड़ा सा, तो इंतजार करने के चक्कर में मैं बस ऐसे ही घूम रहा था कि मतलब देखते हैं और कुछ मिल जाता है। तो और दोस्तों क्या मिला अपने को, एक और हनी बी का नेस्ट। अब इस नेस्ट को वापस से अपन क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे हनी बी इसके अंदर से। भाई साहब ये ऊपर है तो मेरे को पता नहीं अपन कलेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो एक और उठा
उठाते प्लेट और यहाँ पे आते हैं और कलेक्ट, ये कलेक्ट कर तो पा रहे अपन, और इसको यहीं पे ऐसे करके आगे की तरफ रख देंगे, पीछे की तरफ में ऐसे रहने देंगे। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊँ क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि इन लोग का ना यहीं कहीं ना मतलब ऐसे एक जगह पे ये एक दो ऐसे करके ना स्पॉन होते रहेंगे, तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा राउंड मार लेना चाहिए एक बारी, कि अगर कहीं से मिला जाए एक और अपने को तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्या कहते हो? पर ये धुआं लेके कुछ दिख गया मेरे को, एक और दिख गया दोस्तों। मैं बोला ना एक और, मतलब ये ग्रुप में होते हैं, ये दो के तीन के ग्रुप में होते हैं, तो अपने को टोटल तीन मिल गया था, अभी दो और मिल गया, क्या बोलते हो? पांच पूरा हो गया अपने को। अब मेरे को नहीं लगता कि अपने मैप में ना और कहीं होंगे, एक और बार नजर मार लेके इधर 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 सब, शायद पांच से भी ज्यादा, पर मेरा अंदाजा ऐसा है कि ये पांच से ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि अपने को पांच का स्लॉट दिया हुआ है ना, तो उस पांच के अंदर ही अपने को स्पॉन होंगे और फिर बाद में नेक्स्ट टाइम वापस से स्पॉन होंगे, एक बार पांच अपन कलेक्ट कर लेते। तो यस, पूरा के पूरे हनी बीस आ गए अपने पास, वेरी नाइस। टिचकुले तो इसको अपन रख देते हैं यहाँ पे, और अपना धुआं उजला जो मशीन है उसको उठा के लेके आते हैं, और ये दोनों को लेके जाते हैं और मस्त पे की अपना काम करते, इसको करते बंद। अब मेरे को लगता है एक बार अपन इधर घूम फिर के नजर मार ले क्या, लेकिन छोड़ो, अभी दो जमा हो गए ना अपने पास, पांच का अपने को नेसेसिटी था अभी के लिए, क्योंकि अपने को वो कंटेनर जो है उसको फुल करने का था, अभी 100% वो अगर कंटेनर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो निकलते अपने घर पे अब। और क्या पता कब से दोस्तों मैंने ये अपना जो है लाइट चालू रखा है, शायद कल रात से ही चालू रखा है। आ गए अपन अपने घर पे और इस धुएं वाले मशीन को ऑन कर देंगे ताकि 20 अपने को काटे नहीं। इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, और एक और है तो उसको भी पिक करेंगे अपन और इसको इसके अंदर डाल देंगे वन। अब ना दोस्तों जब वो 100% हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे से रख देंगे ऐसे, और जब ये 100% हो जाएगा अपने को, ये कितना 7% हो गया, नहीं 1% 25% 49% और यहाँ पे 100%, जब ये पूरा 100% हो जाएगा अपन इसके अंदर डाल देंगे, और उसके बाद से अपन थोड़े सा हनी निकाल के देखेंगे, आगे का प्रोसेस क्या होता है वो पता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस प्लेट का तो अभी कोई जरूरत नहीं, तो अपन इसको इसमें लगा देते हैं ऐसे, और थोड़ा सा इंतजार करते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बस कुछ सेकंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। दोस्तों जब तक इंतजार कर रहे ना तब तक मैं घूम रहा था, और देखो एक और मिला मेरे को। तो अभी तो मैंने सामान लेके आया नहीं है, मैंने इस जगह को मार्क कर लिया, थोड़ा दूरी पे मार्क हुआ है, बट इसको तो ढूंढ लेंगे अपन। तो अभी फिलहाल अपन चलते वापस से अपने घर पे और सामान लेके आते हैं और इसको कलेक्ट करते हैं। मेरा गाड़ी शायद नीचे है तो जाके आते हैं, वैसे भी शाम होने आई है, तो फटाफट से जाते हैं, सो करके उठ करके आएंगे, क्योंकि रात में आने का इधर पे मतलब नहीं बनता। और मैं सीधा मिलता हूँ दोस्तों जब है ना वो पूरा कलेक्ट कर लूंगा 100% तब, और हो सकेगा बीच में अगर एक दो अपने को हनी भी ऐसा छत्ता मिलता रहेगा तो अपन उसको भी इस्तेमाल करते रहेंगे, मतलब मैं इसको ऐड करता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, काफी समय बीत चुका है और अपने पास तीन ट्रे जो है वो 100% हो चुका है, बाकी 82 और दूसरा जो है 82, मतलब दो ट्रे 82 पे है, पर कोई नहीं अपन ये कहाँ गया स्मोक वाला, गाड़ी में रखा है शायद से, मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश किया, भाई काट लिया यार इन लोगों ने, बड़े बदमाश है भाई, एक तो मैं इनको बचा के लेके आऊं पैदा करूं यहाँ पे और ये मेरे को ही काट रहे हैं। स्मोक निकल लिया बेटा, अरे स्मोक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा इसमें से, हाँ निकल रहा, हाँ स्मोक निकलते रहना मार दूंगा नहीं तो। ये पिक करेंगे अपन, इसको इसमें लगा देंगे, दूसरे वाले को पिक करेंगे अपन, इसको इसमें लगा देंगे, तीसरे वाले को पिक करेंगे अपन, इसमें लगा देंगे, बेटा बाकी बंद हो जाओ, तुम भी बंद हो जाओ। अब दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं अपन, हो जा बेटा, ये तो प्रोड्यूस ही ना हो रहा, और भी कुछ लगता है क्या इसके अंदर, आते हैं ऐसे रखते हैं, बैरल बराबर लगा नहीं था उसके अंदर भाई, तभी मैं भी बोलू हाँ बराबर, नल देखो अभी चिपका है उसके अंदर बराबर। अब दोस्तों अपन हनी बी से अपन हनी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब मेरे को ये देखने का कि जो बीस है वो मर जाएंगी या जिंदा रहेंगी, क्योंकि फिर अपने को हनी बी को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा और है, हो रहा है क्या और प्रोड्यूस ना, 4.1 पे अटक गया है दोस्तों, तो इसको टर्न ऑफ करेंगे अपन, इसको ओपन करेंगे और पिक करते हैं, बीस जिंदा या मर गए, और जिंदा है जिंदा जिंदा, तो इसको फिर से अपन इसमें लगा देंगे, फिर इसको पिक करेंगे, फिर इधर पे लगा देंगे, और फिर इसको भी पिक कर लेंगे, और फिर इसको भी लगा देंगे। तो टोटल अपने पास हनी कितने बैरल हो चुके हैं, नीचे अगर रखे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें कितने बैरल कितने लीटर हो चुका है, तो कोई नहीं इसको करना क्या है अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन इसको सब समझेंगे अपन अगले एपिसोड में। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अपने को मेरे को पता है बकरी भी लेने जाने का है, उसका भी ब्रीडिंग कराने का है, गाय भी बैल भी लेने जाने का है, बैल का भी ब्रीडिंग कराने का, काफी कुछ करने का है, तो करेंगे अपन इन सब चीजों को अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।